Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग फिट होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज आज हमारा डे नंबर 4 मीन्स हमारा शोल्डर डे। तो ऐसे कौन से शोल्डर के वर्कआउट हैं जिससे आपके शोल्डर जल्दी ग्रो करेंगे और बिना किसी इंजरी के, तो आइए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जब भी किसी कोई वर्कआउट करें उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। तो शोल्डर के लिए मैं आपको स्ट्रेचिंग बताता हूं कैसे परफॉर्म करनी है, इनर रोटेशंस। सबसे पहले आप रोटेशंस करेंगे अपनी शोल्डर की, जिससे आपके पूरे डेल्टॉइड की मूवमेंट होगी, रोटेशन होगी, जिससे आपको इशू नहीं होगा आउटर। इसके आप 10-10 राउंड्स ले सकते हैं इन आउट के। इसके बाद आप परफॉर्म करेंगे हाथ स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि आपका पूरा टेंडन टियर होगा। ये बहुत जरूरी है अगर आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, बहुत जरूरी है। तो ये गाइस कुछ ऐसी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग थी जिससे कि आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब हम परफॉर्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज। गाइस अब एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी परफॉर्म करते हैं, जो कि है शोल्डर प्रेस। गाइस सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात, इस वीडियो में दोबारा बोलूंगा, आप शोल्डर प्रेस या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें हमेशा मशीन पर कीजिए एज यू आर बिगनर, ताकि इंजरी होने के चांसेस आपको कम रहें। तो हमारे जिम में मशीन है शोल्डर प्रेस की, होप आपके जिम में भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे परफॉर्म करना है। जब भी आप इसे परफॉर्म करें आपकी एल्बोज हमेशा बार की तरफ मूव होनी चाहिए। स्टार्ट, इसे हम नीचे लेके आए अपने कान के लेवल पे, देन अगेन आप, अगेन आप नीचे। जब आप लेके जाएं हमेशा अपने आप डेल्टॉइड के ऊपर टेंशन क्रिएट कीजिए, अगेन आप फिर ऊपर पूरा लेके जाइए, जिससे कि आपके पूरा प्रेशर आपके डेल्टॉइड के ऊपर आए। तो गाइज इसके आप 12 रेपिटेशंस निकालेंगे, 4 सेट आपने परफॉर्म करने हैं अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं। तो गाइज अब हमारा वर्कआउट नंबर है 2, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे परफॉर्म करना है आपने फ्रंट रेजिस। तो हम फ्रंट रेजिस स्टार्ट करते हैं। हमेशा डंबल का वेट मैं हर बार बोलता हूं आपको, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना इजीली उठा सके। स्टार्ट, ग्रिप आपकी होनी चाहिए शोल्डर के पैरलर, इसे सीधा ऊपर लेके जाएं अपनी आईज के लेवल पे, देन डाउन हल्का सा होल्ड दीजिए ताकि आपके पूरा मसल स्ट्रेच हो, अगेन अप, फिर आइसोलेट कीजिए, अगेन डाउन, अगेन अप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे जाते हैं तो आपका पूरा ये पार्ट डेल्टॉइड का स्ट्रेच होता है, उसके बाद आपने आईज के लेवल पे लेके आएंगे तो यही पार्ट पंप होगा, मींस प्रेशर लगेगा, मसल आइसोलेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई होगा क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये था हमारा फ्रंट रेजिस, इसके आपने परफॉर्म करने हैं 4 सेट सेम 12 रैप्स। गाइस एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारी साइड रेजिस। अब मैं आपको बताऊं साइड रेजिस मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। गाइस 2 होती हैं, फर्स्ट होती है हमारी साइड लेटरल्स, उसके अंदर आपको हाथ थोड़े मोड़ने पड़ते हैं। दूसरी होती है साइड रेजिस, उसके अंदर हम वर्कआउट कैसे करते हैं, जैसे आप पीटी कर रहे हैं यानी स्ट्रेट। ये वर्कआउट आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर आपके ओवरऑल डेल्टॉइड के ऊपर इफेक्ट आता है। तो चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट, वेट एज अपने अकॉर्डिंग लीजिए आप, दोबारा स्टार्ट, ठीक है। इसको भी आपने अपने कानों के लेवल पे लेके आना है, साइड में हाथ लेके जाएं और साइड से खोलें। इससे क्या होगा आपके, एक तो शोल्डर के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा, कुछ बंदे आगे से करते हैं साइड लेटरल्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर प्रेशर शोल्डर में पूरा नहीं आ पाता, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसे आप 10-12 रेपिटेशन परफॉर्म कीजिए और अपना साइज शोल्डर का ग्रो कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, वो है हमारी डंबल प्रेस। डंबल प्रेस कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट, डंबल प्रेस परफॉर्म करें तो आप अभी बिगिनर हैं तो आप हमेशा बैठ के परफॉर्म करें, नहीं तो आपकी नाप खिंच जाएगी, पेट में काफ़ी इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वेट कई बार झटका लग जाता है। स्टार्ट, इसको अपने कानों के लेवल पे लेके आए, हमेशा डंबल को अपने शोल्डर की सीध में रखना आपने, ठीक है। जो आपके हाथ होंगे वो आपकी एल्बोज के ऊपर, अब इसको ऊपर लेके जाएं पूरा। बहुत से लोगों को मैंने देखा इसे ज्वाइन करते हैं, ये सबसे गलत होता है, मैं बताता हूँ क्यों। जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आप ये देखिए, ये जो मसल है इसका, ये जो मसल है ये फ्री हो जाता है। अब जब मसल कोई फ्री होगा तो उसको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपने क्या ध्यान देना है, जब भी आप किसी पार्ट का वर्कआउट करें, ठीक है, तो उसको या एक्सरसाइज परफॉर्म करें, उसको हमेशा आप टेंशन क्रिएट करके रखें। मैं आपको दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। स्टार्ट, नीचे लेके आए अपने कानों के लेवल पर, अगेन आप पूरा। गाइस इसके आपने 4 सेट परफॉर्म करने हैं, 12 रेपिटेशन आप इसके निकालेंगे, होप आपको वर्कआउट समझ आ गया होगा। तो गाइस लास्ट वर्कआउट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 5, जिसे हम बोलेंगे श्रग्स। श्रग्स सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, बट आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अगर आप उसे सही से परफॉर्म कर सकते हैं तो आपके जो ट्रैपीजियम है, ट्रैप्स हैं, वो अच्छी तरह पंप होंगे, अच्छी तरह उसका आप साइज गेन कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आप टी शर्ट या शर्ट पहने और आपका अपर फ्रेम अच्छा दिखे, तो ट्रैप्स आपके लिए ज़रूरी हैं। जब भी आप ट्रैप परफॉर्म करें हमेशा ध्यान रखिए, श्रग परफॉर्म करने के लिए आपके हाथ एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, कोहनी हल्की सी मुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे आप ऊपर लेके जाएं पीछे की तरफ, जब भी आप इसे ऊपर लेके जाएं पीछे की तरफ तो सारा टेंशन आपके ट्रैप्स के ऊपर कवर अप होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सारा टेंशन आपके ट्रैप्स पे कवर होगा। नीचे लेके जाएं, जितना हो सके उतना मसल को नीचे स्ट्रेच करें ताकि जो आपके ट्रैप का मसल है वो पूरा रेस्ट पोजिशन में जाएँ, अगेन आप पीछे की तरफ,
पूरा मसले प्रेशर आया, फिर अगेन डाउन। इस तरीके से आप गाइस इसे परफॉर्म करेंगे, 4 सेट आपने परफॉर्म करने, 12 रेपिटेशंस निकालने हैं। गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने एक जिम फ्रेंड के साथ ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी।